जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस चैनल एस्ट्रो कमल में। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे सावन के महीने में जो पूजा आप करते हैं, उस पूजा से आप अपने ग्रह दोष भी दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आप अपने ग्रह दोष दूर कर सकते हैं। क्या है कुंडली के ग्रह दोषों को सावन के पूजन से दूर करने के लिए, व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जिसमें वह सबसे ज्यादा परेशान, हताश और दुखी होता है। कठिन मेहनत करने के बाद भी हर बार असफलता हाथ लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब व्यक्ति की कुंडली में अशुभ योग और ग्रह दोष होता है तो इस तरह की परेशानियां आती हैं। कुंडली दोष से छुटकारा पाने के लिए सावन का महीना बहुत ही शुभ माना गया है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। इस सावन महीने में भगवान शिव की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखें तो अशुभ ग्रहों का दोष कुंडली से जल्द ही दूर हो जाता है और अच्छे परिणाम मिलने आरंभ होने लगते हैं। देखिए, कैरियर में आ रही बाधा को दूर अगर करना हो तो सावन में आपको क्या करना चाहिए। कैरियर में सफलता और असफलता के लिए कुंडली में बुध ग्रह को जिम्मेदार माना गया है। नौकरी, बिजनेस और पढ़ाई में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए इस सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दुर्वा घास, जिसे राजस्थान में दूब भी कहते हैं, दुर्वा घास, इस उपाय से दुर्वा घास चढ़ानी चाहिए। इस उपाय से कैरियर संबंधी बाधा दूर होती है। किसी प्रकार से यदि आपको मानसिक परेशानी हो तो मानसिक परेशानी को दूर करने का उपाय है, कुंडली में ग्रह दोषों के होने से व्यक्ति की मानसिक परेशानी बढ़ जाती है। ज्योतिष में मानसिक परेशानी का संबंध चंद्रमा से संबंधित ग्रह दोष के कारण होता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए। मान सम्मान में आई गिरावट को दूर करने का उपाय है। यदि आपकी मान सम्मान में गिरावट आ रही है, मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको सावन के महीने में सूर्य से संबंधित उपाय करना चाहिए। ऐसे संबंधित कोई दोष हो तो व्यक्ति के मान सम्मान में गिरावट होने लगती है और अपयश का सामना उसको करना पड़ता। मान सम्मान को बढ़ाने के लिए इस सावन के महीने में शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सेहत संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने का उपाय है, कुंडली में राहु केतु के अशुभ घर में बैठने पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आने लगती है। सेहत को ठीक करने के लिए इस महीने में भगवान शिव को धतूरा चढ़ाना चाहिए। विवाह संबंधी दोष को दूर करने का उपाय बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। कुंडली में बृहस्पति ग्रह के कमजोर और दोषी होने से विवाह होने में तमाम तरह की परेशानियां सामने आने लगती है। साथ ही पति पत्नी में मन मुटाव भी बढ़ने लगता है। तो कुंडली में इस दोष को दूर करने के लिए इस पवित्र सावन के महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने चाहिए, जिससे बृहस्पति का भी दोष दूर होता है और सूर्य का दोष भी दूर होता है। तो मित्रों, ये उपाय करके आप अपने जीवन में सुकून, चैन, आराम, शांति, प्रगति ये सब प्राप्त कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आपको? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो की भावनाओं में खोने पर लाइक नहीं होता है, हम आगे निकल जाते हैं। तो अब लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें ताकि, और बेल आइकॉन का बटन पास में दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।